अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं शमी कबाब बर्गर। तो यहाँ पर हमने बंस लिए तीन, और एक अंडा है, और प्याज है, और तीन शमी कबाब है, बंद गोभी है, एक कप केचप है, और मायनीज है, चिली केचप है, और मायनीज है हमारे पास। तो सबसे पहले हम अभी शमी कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए तवे की तरफ चलते हैं। तो हमने तवे पे ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शमी कबाब डाल देंगे। शमी कबाब की रेसिपी हमने दी है, पहले आप ये वीडियो पूरी देखें, फिर आप शमी कबाब की वीडियो भी देख सकते हैं। अब इसको फ्राई कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम इसको पलट देंगे। एक तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं। और अब हम इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको प्लेट में डाल देंगे। हम अभी बंस को तवे पे थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। यहाँ पर हमने तेल डाल दिया है और अब हम बंस को थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। हम आज आपको अंडे वाला भी बनाकर दिखाएंगे और बगैर अंडे वाला भी बनाएंगे। दोनों साइड से हम इसको गोल्डन कर देंगे। थोड़ा सा तेल हम डाल देंगे। और हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे। और अब हम इसको हटा देंगे, प्लेट में रख देंगे। हमने यहाँ पर अंडा फेंट लिया है और अंडे में हमने खालिश थोड़ा सा नमक डाला है। और अंडा हम अभी तवे पे डाल देंगे। अंडे को हम दोनों साइड से पका लेंगे। और अब हम इसको पलट देंगे। अब अंडा पक चुका है, अब हम इसको निकाल देंगे।
और यहाँ पर अब हम इसमें केचप लगा देंगे सबसे पहले, चिली केचप है हमारे पास यहाँ पर। और अब हम इसमें शामी कबाब डाल देंगे। शामी कबाब को हम इस तरह काट देंगे पहले। और इसको प्रेस कर देंगे। में फैला देंगे। और अब हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे। और प्याज डाल देंगे अभी। और अब हम इसमें मेयोनीज डाल देंगे। और अभी थोड़ा सा केचप भी डाल देंगे इसके ऊपर। और अब हम इसके ऊपर अंडा रख देंगे। ये अंडे वाला बर्गर है। और इसके दूसरे बन पे हम मेयोनीज लगा देंगे। और केचप भी लगा देंगे। और इसको रख देंगे इसके ऊपर। तो हमारा अंडे वाला बर्गर अभी रेडी है। और अब हम बनाएंगे बगैर अंडे वाला बर्गर। अब हम इसके ऊपर भी केचप लगा देंगे। और अभी मेयोनीज डाल देंगे। और अभी इसके ऊपर शामी कबाब डाल देंगे। शामी कबाब को हम दरमियान से काट देंगे, आधा इस साइड रख देंगे और आधा इस साइड। और इसको हम फैला देंगे इसमें। और अब हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे। और अभी इसमें प्याज डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर के बन पे केचप लगा देंगे। और मेयोनीज लगा देंगे।
और इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये बगैर अंडे वाला बर्गर है। अब ये रेडी है और हमने दो बगैर अंडे वाले बर्गर बनाए और एक अंडे वाला बर्गर है। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।